हेलो एनी फैंस, आई एम बैक विद न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली बेब्लेड सीन फॉर मल्टीवर्स एपिसोड 26 के ऊपर। और हाँ यार, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लग रही है। सो यार, अगर आपको स्टोरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को बस लाइक करो यार। और हाँ यार, अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप नहीं वॉच कर सकते हैं। सो बिना और कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं। Recap. पिछले एपिसोड में देखा काया काफी गुस्से में होता है कि सभी ने टायसन को ब्लैक ड्रॉन सर्जर के लड़ने के लिए भेज दिया। और कुछ देर बाद क्योया बैटल में इंटरप्ट करता है और ब्लैक ड्रॉन्जर पर अटैक कर देता है, मगर क्योया के सारे मूव से ब्लैक ड्रॉन्जर सामने बेअसर हो जाते हैं। और अंत में ब्लैक ड्रॉन्जर अपने स्पेशल मूव से क्योया के ब्लेड को डिस्ट्रॉय कर देता है और फैंग लियोन को अब्सॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। ये देखकर जिंगर रेस्पेडिन पर अटैक करने वाला होता है कि टायसन उसे बेहोश कर देता है, मगर टायसन जान जाता है कि रेस्पेडिन को नहीं हरा सकता। और एट द लास्ट टायसन रेस्पेडिन से पूछता है कि आखिर तुम उससे बदला किस चीज का लेना चाहते हो। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में टायसन को दिखाया जाता है और वो रेस्पेडिन से कहता है, आखिर तुम उससे बदला किस चीज का लेना चाहते हो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। इतने में रेस्पेडिन टायसन से कहता है, बदला? हाँ, तो तुम जानना चाहते हो आखिर मैं तुमसे किस चीज़ का बदला लेना चाहता हूँ। टायसन कहता है, हाँ सही कहा तुमने, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस चीज़ का बदला लेना चाहते हो मुझसे। मैं रेस्पेडिन टायसन से कहता है, टायसन याद करो वक्त जब ब्लैक ड्रॉन्सर पहली बार यूज़ किया गया था, जब कायन उसे यूज़ किया था। वेल गाइस, ये जो ही बात है रेस्पेडिन टायसन को बता रहा है, ये बाकी सब भी सुन रहे हैं कि बाकी सभी भी वहाँ पर हैं, चाहे वो टायसन हो, चाहे वो रेयू हो, चाहे वो कायन हो, कोई और, वो सब भी वहाँ पर हैं। और हाँ दोस्तों, रेस्पेडिन ये जो ये बात बताने वाला है, इसमें कुछ चीज़ें अपनी मर्जी से ऐड करने वाला हूँ ताकि स्टोरी और ही बेहतर बन सके और ओरिजिनल सीरीज से इसका कोई भी लेना देना नहीं होगा, क्योंकि आगे जो ये बताने वाला हूँ ऐसा कुछ भी ओरिजिनल सीरीज में नहीं दिखाया गया है। तो चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जब काय ने पहली बार ब्लैक ट्रांसर को यूज़ किया था और तभी उस समय ब्लैक ड्रॉन्सर ने 4 बीस्ट को अपने अंदर समाहित किया था, ये तुम्हें याद ही होगा टायसन। टायसन कहते हैं, हाँ मुझे याद है, ब्लैक ड्रॉन्सर ने ऑल स्टार्स के 4 बीस्ट अपने अंदर कर लिए थे। और उसके बाद ही ब्लैक ड्रॉन्सर रुकने का नाम नहीं ले रहा था, उसने और बीस्ट को अपने अंदर समाहित कर लिया था उस टूर्नामेंट में। फिर काय ने ब्लैक ड्रॉन्सर को हमारे खिलाफ भी यूज़ करने की कोशिश की, उसने हमारे खिलाफ भी ब्लैक ड्रॉन्सर को यूज़ किया। तभी रेस्पेडिन कहता, तुमने सही कहा टायसन, जब काय ने ब्लैक ड्रॉन्सर को तुम सबके खिलाफ यूज़ करने की कोशिश की थी, यानी ब्लेड ब्रेकर के खिलाफ, तब ब्लैक ड्रॉन्सर काय के ऊपर हावी हो रहा था। ब्लैक ड्रॉन्सर उसे अपनी पावर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इसी के साथ साथ क्योंकि ब्लैक ड्रॉन्सर के अंदर दफन हो चुका था, तो मैं काय की बॉडी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, यानी काय की बॉडी मेरी होने वाली थी। लेकिन टायसन, तुमने उस वक्त मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया, तुमने उसी वक्त काय के ड्रॉन्सर को यूज़ किया जो कि शायद काय की आत्मा से कनेक्ट था, और उस ओरिजिनल ड्रॉन्सर ने अचानक से काय के इमोशंस को जगा दिया, जिसकी वजह से काय ब्लैक ड्रॉन्सर कब्जे से बाहर निकलने लग गया और ब्लैक ड्रॉन्सर का असर काय के ऊपर से कम होने लग गया। और मुझे जो काय का नया शरीर मिलने वाला था, तुम्हारे और बेकार ड्रॉन्सर की वजह से नहीं मिल पाया उस वक्त। इतने में इसी काय पर शिफ्ट हो गया और काय कहते हैं, हाँ मुझे याद है उस बैटल के दौरान मेरे इमोशंस, जब मैंने ड्रॉन्सर को देखा तो मेरे इमोशंस अचानक से बढ़ गए थे, और उसी वक्त मुझे एहसास हो कि एक सच्चा लीडर सिर्फ अपने पावर के दम पर पावरफुल बनता है, अपने बीस्ट के साथ, ना कि किसी और के बीस्ट को छीन कर। और जब ये सब बातें मुझे रियलाइज हुई, तभी शायद ये सारी बातें मेरी इमोशंस में कन्वर्ट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं ब्लैक ड्रॉन्सर कब्जे में जाने से बचा। इतने में सीन फिर से टायसन पर शिफ्ट होता है और टायसन कहता है, ओह तो क्या तुम उससे इसी चीज़ का बदला लेना चाहते हो? खैर जो भी हो, मुझे अपना समझ में आ गया कि तुम आखिर मुझसे बदला क्यों लेना चाहते हो और किस चीज़ का लेना चाहते हो, लेकिन आखिर तुम ब्रुकलिन से किस चीज़ का बदला लेना चाहते हो। तभी रेस्पेडिन यही बताता है कि आखिर वो ब्रुकलिन से किस चीज़ का बदला लेना चाहता है, और वो कहता है, टायसन तुम्हें तुम्हारी और ब्रुकलिन की लास्ट फाइट याद है? टायसन कहता है, हाँ मैं उस भयानक फाइट को कैसे भूल सकता हूँ, उस समय दुनिया तकरीबन ख़त्म होने वाली थी, लेकिन भला तुम उस मैच की बात क्यों कर रहे हो? तभी रेस्पेडिन कहता है, टायसन उस मैच में जब ब्रुकलिन ने ब्लैक होल क्रिएट किया था, तब उस ब्लैक होल में लगभग पूरी पृथ्वी समा गई थी, और उसी दौरान ब्लैक ड्रॉन्सर की पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, और फिर से मुझे एक उम्मीद दिखी कि मैं आज़ाद हो जाऊँगा, और उस वक्त ब्रुकलिन भी सिर्फ तुम्हें हराना चाहता था किसी भी तरह से, चाहे वो पूरी पृथ्वी को ख़त्म करके हुए कैसे भी, लेकिन वो सिर्फ तुम्हें हराना चाहता था, और इसी वजह से ब्लैक ड्रॉन्सर की डार्क पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, और धीरे धीरे ब्लैक ड्रॉन्सर की कुछ डार्क पावर ब्रुकलिन के अंदर भी जाने लग गई, जिसकी वजह से ब्रुकलिन ने अपना कंट्रोल खो दिया था, और धीरे धीरे ब्रुकलिन ब्लैक ड्रॉन्सर के कंट्रोल में आने लग गया था, और फाइनली ब्रुकलिन की बॉडी में चला गया,
मगर ब्रूटलेंसी उसके साथ कनेक्ट था तो मैं उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मगर किस तरह जब मैंने ब्रुकलिन के इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की तब फिर से तुम बीच में आ गए टायसन। तुमने ब्रुकलिन के इमोशंस को भी जगा दिया और उसके इमोशंस उसके पेट पेस्ट एंड ज्यूस के साथ कनेक्ट भी थे और इसी वजह से ज्यूस का पावर और भी ज़्यादा बढ़ गया और ब्रुकलिन पहले की तरह वापस नॉर्मल हो गया और मैं पता नहीं कैसे किसी और दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया और वहाँ उस डार्क आइलैंड पर पता नहीं कैसे लेकिन मैं वहाँ कैद हो गया। लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी डार्क पावर था। मैंने किसी तरह उस डार्क पावर को अपने कंट्रोल में किया और उससे लॉर्ड ऑफ डार्क को बनाया और उसके बाद तो बाकी सब तुम्हें पता ही है टायसन। इतने में सीन रेवा पर शिफ्ट होता है। रेवा कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम हमारी दुनिया में टेलीपोर्ट हुए थे ना रेस्पुटिन। रेस्पुटिन कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। रेवा कहता है मुझे कोई अजीब सा पावर तो सेंस हुआ था लेकिन मुझे लगा वो सिर्फ मेरा वहम था। लेकिन अगर मुझे पता होता कि वो तुम हो रेस्पुटिन जो कि आगे जाकर हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बनोगे तो मैं तुम्हें उसी वक्त ख़त्म कर देता। तभी रेस्पुटिन कहता जो हुआ नहीं उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए रेयुगा और इस वक्त तुम सब मिलकर ही मुझे नहीं रोक सकते और मैं चाहूँ तो तुम सबको ख़त्म कर सकता हूँ। और जब तुम सभी लोगों की वजह से मुझे मेरी पुरानी बातें याद करनी पड़ी जिसके बाद मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो पहले मैं तुम सब लोगों को ख़त्म करूँगा उसके बाद टायसन और ब्रुकलिन तुम्हें बाद में ख़त्म करूँगा। और तभी रेस्पुटिन कहता जाओ ब्लैक ट्रांजर उन सबको ख़त्म कर दो और इससे पहले ब्लैक ट्रांजर कुछ कर पाता टायसन का ब्लेड बीच में आ जाता और टायसन कहता हे रेस्पुटिन तुम कहाँ जा रहे हो अभी हमारी बैटल बाकी है। तभी रेस्पुटिन कहता ब्लैक ट्रांजर ड्रैगन को दूर फेंक दो और ब्लैक ट्रांजर ड्रैगन को अपने एक हीट में दूर फेंक देता है और जैसे तैसे ड्रैगन धीरे धीरे स्पिन कर रहा होता है लेकिन उसका स्पिन इतना कम होता है कि वो कभी भी रुक सकता है। देख कर तो ऐसा ही लगता है लेकिन इसके बाद भी टायसन कहता है शायद मैं इसे आखिरी बार यूज़ कर सकता हूँ ड्रैगन गैलेक्सी टर्बो। इतने में ड्रैगन फिर से टोर्नाडो क्रिएट करता है और फिर से जाकर ब्लैक ट्रांजर को हिट करता है लेकिन इस बार ब्लैक ट्रांजर पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद रेस्पुटिन कहता है ब्लैक ट्रांजर ड्रैगन को बैटल से बाहर फेंक दो और तभी ब्लैक ट्रांजर जाके फिर से ड्रैगन को हिट करता है और इस बार ड्रैगन उस हिट के कारण सीधे जाकर टायसन से भी टकराता है और ड्रैगन स्पिन करना बंद कर देता है और टायसन भी बेहोश हो जाता है। मगर यहाँ पर भी रेस्पुटिन ड्रैगन और टायसन को ख़त्म नहीं करता है क्योंकि वो उन्हें अंत में ख़त्म करना चाहता है। तभी अचानक से कुछ चार ब्लेड ब्लैक ट्रांजर पर अटैक करते हैं लेकिन ब्लैक ट्रांजर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद में दिखाया था कि चार ब्लेड्स किसी और के नहीं बल्कि रे मैक्स टाइसन सुबासा के होते हैं। तभी रेस्पुटिन कहता तो ये अटैक्स तुमने किए मरने से पहले तुम सही ब्लैक ट्रांजर पावर खुद फेस करना चाहते हो। इतने में रे कहता सपने मत देखो रेस्पुटिन ड्रिगर टाइगर क्लॉक अटैक और ये मूवी जाकर सीधे रेस्पुटिन के ब्लेड को हिट करता है लेकिन ये मूवी बिल्कुल बेअसर हो जाता है ब्लैक ट्रांजर के सामने। तभी मैक्स कहता रे हम अकेले तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर साथ में उस पर अटैक करना चाहिए। सुबासा कहता शायद तुम ठीक कह रहे हो अकेले तो हम सबको ख़त्म कर देगा लेकिन शायद हम साथ में मिलकर उसे किस तरह से रोक पाएं। तभी टाइची कहता मुझे भी सही लग रहा है हमें उस पर साथ में अटैक करना चाहिए। तभी रेस्पुटिन कहता तो तुम सब साथ में मुझ पर अटैक करोगे चलो देखते हैं तुम सब मुझे रोक सकते हो या नहीं। और रेस्पुटिन कहता ब्लैक ट्रांजर वहीं पर रुक जाओ। तभी ब्लैक ट्रांजर अचानक से एक ही जगह पर रुक के स्पिन करने लग जाता है और रेस्पुटिन कहता चलो अब तुम सब मेरे ब्लैक ट्रांजर पर अटैक करो शायद इससे तुम्हें आसानी हो मुझे हराने में। तभी रे कहता जैसे तुम्हारी मर्जी ड्रिगर शाइनिंग क्लॉ अटैक और मैक्स अपना मूव चलता है कहता जाओ ड्रसील स्पेशल मूव एक्वा वॉल फिर सुबासा गो ईगल मेटल विंग स्लैश और टायची अपना मूव चलता है कहता जाओ स्टार्टर ड्रैगन विंड टोर्नेडो और यहाँ पर ये सही मूव्स मिलकर एक साथ ब्लैक ट्रांजर पर अटैक करते हैं और इन चार मूव्स के एक साथ ब्लैक ट्रांजर पर अटैक करने की वजह से एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। धूल मिट्टी हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक ट्रांजर अब भी स्पिन कर रहा होता है अपनी उसी स्पीड के साथ और ये देखकर वहाँ पर सभी के सभी ब्लेड्स अपने दांत पीसने लग जाते हैं और पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और सुबासा कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा हम चारों को एक साथ अटैक करने बावजूद ये ब्लेड अब तक स्पिन कर रहा है इतनी पावर बड़ा किसी ब्लेड में कैसे हो सकती है। और ये देखकर रेस्पुटिन हंसता और कहता है तो तुम बेवकूफ़ों को अब समझ में आ ही गया होगा कि तुम मुझे नहीं रोक सकते जब तक मेरे पास ब्लैक ट्रांजर है और ब्लैक ट्रांजर को तो वैसे भी तुम कभी नहीं ख़त्म कर सकते। इतने में सीन ब्रुकलिन पर शिफ्ट होता है और ब्रुकलिन मन में सोचता है इससे पहले हम उसको ख़त्म करें मुझे कुछ करना होगा और ब्रुकलिन टायसन और जिंगा की ओर देखता जो कि बेहोश होते हैं। देन इसके बाद फिर से सीन रेस्पुटिन पर शिफ्ट होता है और रेस्पुटिन कहता है तो अब मुझे लगता है कि मेरी बारी अटैक करने की और उसके बाद रेस्पुटिन कहता है अब तुम सब भी अपने बिट पेस्ट को बाय कह दो
बाहर आओ ब्लैक ट्रॉन्जर। और उसके बाद हमें दिखाया था फिर से ब्लैक ट्रॉन्जर, जैसे ही क्यूए के समय पर हुआ था, ब्लैक ट्रॉन्जर फिर से बहुत तेज स्पिन करने लग जाता है। इतनी तेज के उस ब्लेड से लाइटनिंग्स बाहर निकल रही होती हैं, और तभी ब्लैक ट्रॉन्जर बाहर आता है। और इस बार वो पहले से ज़्यादा पावरफुल होता है, ऑलरेडी वो बहुत पावरफुल है, लेकिन उसकी पावर से और भी ज़्यादा बड़ी होती है, और शायद ये इस वजह से क्योंकि फैंग लियोन को अब्सॉर्ब कर चुका है। सो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले एपिसोड में पता लगेगा क्या ये लोग भी अपने बिग ट्विस्ट को ब्लैक ट्रॉन्जर के सामने खो देंगे या किसी तरह से उन्हें बचा लेंगे। और भला ब्रुकलिन टायसन और जिंगा को देखकर क्या सोच रहा था, ये सब हमें पता लगेगा मल्टीवर्स के अगले एपिसोड में। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।